सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग बताइएगा। तो आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह का टाइम है अभी, जस्ट मेरे को बालों में थोड़ा तेल लगाना था, ऑयलिंग करनी है। काफ़ी दिन फिर हो गए हैं, तीन मतलब मुझे बाल धुलने थे, मेरे बाल जो धुले थे ना, तो उसके बाद मेरा मतलब सिर भारी भारी सा हो जा रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, दो तीन बार से। तो मैंने कहा, सोचा आज कि थोड़ा तेल लगाते, कल मैंने हेयर वॉश किए थे ना, तो आज थोड़ा हेयर ऑयलिंग करना है। तो बालों को मैंने पहले सुलझा दिए हैं अच्छा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी सूखे हैं तो बहुत दर्द भी होने लगता है उलझे हुए बालों में। तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का झारे हैं और थोड़ा अब तेल मालिश करूँगी, उसके बाद अच्छे से सुलझाऊँगी। तो पहले यहाँ निकाल लेती हूँ मैं ढक्कन में तेल को, निकाले हैं ये हर्बल आयुर्वेदिक ही ऑयल ही है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है तेल को, तो ये मतलब बाल अच्छे रहते हैं इसलिए उन्होंने दिया था। तो घर के ही लोग हैं हमारे जिन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। तो ये अभी ऑयल में ऑयल है जो मैं मांग निकाल निकाल के इस तरीके से लगाते हैं जड़ों में। जड़ों में ऑयल लगाने का फ़ायदा होता है रहता है, अभी तो सर्दी के मौसम में डैंड्रफ ये सब होने का चांस कमता है, तो शुरुआत अभी ही है जो डैंड्रफ होने का जो अभी ही हो जाती है, तो बस इसीलिए थोड़ा केयर करना ज़रूरी होता है इस मौसम में अपने बालों को। तो बस जल्दी जल्दी अपना हेयर ऑयलिंग करना है, क्योंकि फिर काम भी है, तो काम भी करने जाना है। सुबह सुबह की धूप आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे बाल यहाँ पे सुलझ चुके हैं, अच्छे से सुलझ गया है। तो अब देख सकते हैं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है, आप लोग बताइए देख के कि सही है या नहीं अभी मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो। तो चलिए अब जो तेल बच गया है उसको रख देते हैं ढक्कन में, और बस इन सबको रख दूँगी अंदर। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि ढक्कन में जितने भी तेल लगे हुए हैं उसको बालों से इस तरीके से पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना ढक्कन में जो तेल लगे होते हैं ना, जब ढक्कन लगा दो बोतल में डब्बे में, तो उससे जितना भी तेल होता है सब बोतल के ऊपर आ जाते हैं, वो चिपचिपा सा हो जाता है, और इस तरीके से तेल बर्बाद भी नहीं होता और बोतल गंदा भी नहीं होता, तो दो काम हो जाते हैं ऐसे में। तो चलिए अब बालों को जूड़ा करते हैं, क्योंकि अब जाना है किचन में काम करने। किचन का काम शायद दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत सारा काम है, इधर उधर का काम है, इसलिए मैं काम पे फोकस रहेगा तो मैं पता नहीं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो बस यही सब काम हो रहा है, तो देख ही सकते हैं बाल एकदम चमाचम से हो गए हैं, चमचम कर रहे हैं ब्लैक कलर में एकदम चमाचम से। तो इस तरीके से कौन कौन लोग करते हैं बालों का केयर, एक कह रहे थे कि आपने बालों का रूटीन दिखाई है, तो मेरा वैसा कोई खास रूटीन नहीं रहता, रूटीन नहीं रहता है। देखिए मैंने कल पिछले ब्लॉग में मैंने बाल धुले थे, हो गया, और सीधा मैं आ गई हूँ एक ही बार नहाने धोने के बाद, वहाँ के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाई है। तो अभी मेरे पूजा करने का टाइम है, 9:30 के बीच हो रहा है टाइम,
तो मेरा डेली का काम होता है सूर्य भगवान को जल देना, तो मैं डेली देती हूँ। बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा किस तरीके से देते हैं। सिंपल सा तरीका है जल देने का सूर्य भगवान को, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है, तामझाम नहीं है। सूर्य भगवान बहुत सिंपल सी चीज़ से मान जाते हैं। तो सूर्य भगवान को जल में, जल जब लोटे में भरते हैं तो उसमें थोड़ा सा अक्षत डालते हैं, थोड़ा सा रोली डालते हैं, फूल डालते हैं, लाल कलर का फूल कोई भी। तो अभी मैं थोड़ा सा पूज्य भगवान को याद कर ले रही हूँ, भगवान को थोड़ा सा मंत्र पढ़ देती हूँ, उच्चारण कर देती हूँ। तो बस हो गया मेरा पूजा और प्रणाम वणाम कर लिया आज। मतलब मैं क्या बोलूँ, यही सब काम है, ज़्यादा वैसा कुछ काम था नहीं। तो फास्टिंग भी हो जाता है ना कभी कभी, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आज संडे का फास्टिंग है, संडे फास्टिंग है मेरा। तो संडे फास्टिंग बेसिकली सूर्य भगवान की पूजा की ही जाती है खास करके। वैसे मैं डेली जब सूर्य भगवान को जल देती हूँ। तो अभी ये सब मेरा काम हो गया है, मैंने क्रीम उड़ीम लगा रखे हैं फेस पे, तो थोड़ा बाल में कंघी नहीं की है। ऐसे पूजा वूजा करते हैं ना तो रेडी होके ही करना चाहिए। तो ये मैं रेडी होके अभी कर रही थी, और इसके बाद बाल धुल को मैंने तिल वल लगाए थे, तो थोड़ा अभी बालों को कंघी कर लूँ। मोड़ने के बाद ना बाल अजीब से मुड़ जाते हैं, अजीब लगता है। वैसे तो कंघी करने के बाद फिर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगता है। सो दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को ऐसे तरीके से विज़िट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, प्यार दीजिए अपना, और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो बस यही सब है, और क्योंकि शेयर नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को आप शेयर करेंगे वो देखता है नहीं, ऐसा जनरली होता भी है। क्योंकि अगर आप लोग, यूट्यूब सबके पास होता है, सब लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं अपने 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 हिसाब से। कोई किसी को कुछ भी भेजता है, तो वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई देखता भी है। क्योंकि खास मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभार मैं क्लिक कर देती हूँ, कभी कभी क्लिक नहीं भी हो पाता है काम की वजह से, तो कोई बात नहीं। बट आप लोग सिर्फ अपना अपना प्यार दीजिए, तो यही काफ़ी है मेरे लिए। तो उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, संडे फास्टिंग है मेरा, तो मुझे तो खाना नहीं है। मैंने सब्जी वब्जी ये सब बना दिए हैं, आटा गूंद के रखा हुआ था, अभी ढका हुआ था, अभी मैंने हटाए हैं, रोटी बनाना है। तो और उधर मैंने ना, मुझे थोड़ा पानी चाहिए था गर्म, तो वही मैं पानी गर्म करने के लिए रखी थी। और इधर रोटी बनाने हैं तो रोटी बना देती हूँ, टाइम हो गया है सबके खाने का, तो मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बना दूँगी। सब लोग धीरे धीरे खाते रहेंगे, और वीडियो बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए मेरे वीडियोस पे। क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों है, ऐसा क्या है जो मतलब ऐसा नवीज नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है ना, अभी पता नहीं यूट्यूब का ही ऐसा कुछ चक्कर हो गया है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो लोग हैं उनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं टेक्निकल चैनल है, टेक्निकल वाला जो चैनल है, उन लोगों का भी, दो तीन लोगों का मैं देखती हूँ, तो वो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि उनके चैनल पे भी ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा समय के साथ सब शायद ठीक हो जाएगा। यूट्यूब का क्या है नहीं है पता नहीं। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग भी अच्छा होगा, देखिएगा ज़रूर। सो बाय।